एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी। तो आज ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से इतनी जल्दी मुझे खाना बनाना पड़ेगा। तो एक्चुअली हुआ ये है कि जो मेरा गैस सिलेंडर है ना, उसमें से गैस लीक हो रही है और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से क्या प्रॉब्लम हो रखी है। मैंने अपनी तरफ से सब कुछ चेक कर लिया बट कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने पाइप भी देख लिया, रेगुलेटर भी देख लिया, गैस सिलेंडर भी एक बार देख लिया कि कहीं उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बट कहीं से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ना ही जब गैस लीक होती है थोड़ी बहुत आवाज़ आती है ना, वो भी नहीं आ रही है। तो इसलिए बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रखी है। और ये है नहीं घर में, तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए मैंने ना गैस अभी ऑफ ही कर दिया, रेगुलेटर बंद कर दिया है। जब ये आएंगे तो एक बार ये चेक कर लेंगे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इस तरीके की प्रॉब्लम जब होती है ना तो थोड़ा सा तो डर लगता ही है और थोड़ा केयरफुल भी रहना चाहिए, क्योंकि छोटी मोटी बात है नहीं, गैस लीक होना बहुत बड़ी बात है और इससे रिलेटेड कितने सारे एक्सीडेंट भी हो गए हैं। तो इसलिए मैंने रेगुलेटर बंद कर दिया है और विंडो तो मेरी खुली हुई है किचन की, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि फटाफट किसी तरह खाना बना लूँ। तो गैस में तो होगा नहीं, क्योंकि जब भी रेगुलेटर ऑन कर रही हूँ तो वो स्मेल आ रही है गैस की, लीक हो रही है पूरी गैस। तो अभी मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है इंडक्शन। तो वो भी तब तक जब तक लाइट है, क्योंकि वो बोलते नहीं है, मुसीबत आती है तो चारों तरफ से। और आज मौसम भी कुछ खास ठीक नहीं है, बारिश हो रही है बहुत ज़ोरदार, और इस मौसम में ना लाइन कब आए कब जाए कोई कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो अभी जब तक लाइट है तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि फटाफट इंडक्शन में मैं फटाफट भिंडी मैंने कट की है, क्योंकि फटाफट जो अभी खाना बनेगा ना मैं वही बना रही हूँ। तो भिंडी फ्राई कर दूंगी और उसके बाद सिंपल सी रोटी। तो फटाफट पहले भिंडी फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर फटाफट रोटियाँ बनाऊँगी। आज रोटी इंडक्शन में बनेंगी, मुझे सोच के ही थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि इंडक्शन की रोटियां ना, सच बोल रही हूँ, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। वो मजबूरी में आप बना लो बट इंडक्शन की रोटियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, थोड़ी सी कड़क थोड़ी सी टाइट रहती है और अच्छे से फूलती भी नहीं है। तो वो तो मजबूरी है, तो चलो किसी तरह चला लेंगे, आज रात की बात है। तो इतना करते करते ये भी आ गए थे, मैंने इन्हें कॉल कर दिया था तो ये भी आ गए थे। तो अब मुझे थोड़ी सी राहत है कि एक बार ये चेक कर ले क्या है कैसा है, शायद इन्हें कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि मुझे ना इतनी इसके बारे में नॉलेज नहीं है, इनको बहुत ज़्यादा। तो ये एक बार देख लेंगे तो इन्हें समझ में आ जाएगा कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो इन्होंने आते वक्त समोसा लेते आया था तो वही मैं फटाफट बच्चों को दे दे रही हूँ। तो ये लोग समोसा एंजॉय कर रहे हैं, तब तक मैं आ गई थी अपने रूम में। मुझे ना थोड़े बहुत कपड़े जो डेली यूज के हैं उन्हें छाटने थे। एक्चुअली बच्चे हैं ना, वो जब खेलते कूदते हैं तो थोड़ी बहुत खरोच लग के ना थोड़े बहुत कपड़े फट ही जाते हैं, तो उन्हें मुझे हटाना है, क्योंकि उनकी वजह से कबर्ड पूरा जाम हो रखा था, बहुत सारे स्पेसेस उनके जगह से फालतू की जा रही थी। तो उन्हें मुझे साइड करना था, जो सही कपड़े थे, जो अच्छे कपड़े थे उन्हें मुझे रखने थे। तो थोड़े बहुत बच्चे के कपड़े थे, थोड़े बहुत मेरे भी कपड़े थे जिसे मुझे हटाना था, क्योंकि बहुत सारे कपड़े ना फेड हो गए हैं, कलर एकदम डल हो गया है। तो उन्हें पहनने के बाद ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और भले ही ये डेली यूज के कपड़े हैं, लेकिन क्या होता है ना, डेली वेयर में भी अगर हम अच्छे से अपने आप को मेंटेन करके रख रहे हैं ना, अच्छे से कपड़े पहन के अच्छे से अपने आप को तैयार करके रख रहे हैं ना, तो एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी हमें देती है और साथ ही साथ हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी भी है खुद को मोटिवेट करने के लिए। और साथ ही साथ पूरे दिन हम हैप्पी रहते हैं, तो और हमें क्या चाहिए, बस ये कुछ चीज़ें हमें मिल जाए ना तो फिर तो हमारा दिन बन जाना है और हमारी लाइफ बहुत स्मूथ चलनी है। ओके, तो जो कपड़े रखने थे उन्हें मैंने रख दिया और जो कपड़े छाटने थे उन्हें भी मैंने अलग रख दिया है। और उसके बाद वापस से मैं किचन आ गई थी, क्योंकि भिंडी फ्राई हो चुके थे और उसके बाद मुझे फटाफट रोटियां बनानी थी, तो मैं फटाफट रोटियां बनाने में लग गई थी। भले ही खाने खाते खाते ये ठंडी भी हो जाएगी, क्योंकि अभी खाने में टाइम है, अभी 8 ही बज रहे हैं और 9 बजे के बाद ही हम सभी खाते हैं, तो खाने तक तो रोटियां शायद ठंडी भी हो जाए, बट कोई ऑप्शन नहीं है, क्या करूं। क्योंकि मोस्टली मेरे घर में खाते वक्त ही मैं रोटियां बनाती हूं और सभी को देती हूं, क्योंकि रोटियां ठंडी हो जाने के बाद ना सही में नहीं खिलाता है, बट क्या करूं, कोई नहीं, चलिए एटलीस्ट खाना तो हमें नसीब हो रहा, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर अभी इंडक्शन ही ना रहता तो बहुत दिक्कत हो जानी थी, हमारा तो छोड़िए, बच्चे हैं घर में उनके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। और ना हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर होता है, बट थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, नहीं तो सोल्यूशन तो होता ही है कहीं ना कहीं। और अभी देखिए, भले ही इंडक्शन था तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्यूशन मिल गया, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जानी थी। क्योंकि जैसे भी, बट इंडक्शन में एटलीस्ट खाना तो मैंने बना ही लिया था। तो खाना वाना भी सभी का हो गया था और अब बारी थी किचन क्लीनिंग की। तो खाना खाने के बाद ना आधा घंटा मैं किचन में देती हूँ किचन को क्लीन करने में, ताकि मैं सब सुबह किचन में आऊँ ना तो किचन मेरा बिल्कुल मुझे फ्रेश मिले।
तो रात में खाना वाना खाने के बाद ही मैं किचन की क्लीनिंग में लग जाती हूँ, क्योंकि साथ ही साथ अगर कोई काम में आप लग जाओ ना तो वो तुरंत हो जाते हैं, और फिर अगर आप थोड़ी देर रेस्ट ले लो कि हाँ करेंगे करेंगे तो फिर उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। और रात में खासकर लगता है ना कि सारे काम जल्दी जल्दी ख़त्म करके निश्चिंत हो जाऊँ, भले ही थोड़ी देर बैठूँ रेस्ट करूँ या फिर सोने ही क्यों ना चली जाऊँ, लेकिन रात का काम थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाए। तो इसलिए जितने भी जूठे बर्तन थे या जो खाना बनाने वाले बर्तन थे सबको मैंने क्लीन कर लिया है, क्योंकि रात में कभी भी ना किचन में जूठे बर्तन कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि किचन में ना माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, और उनका जहाँ वास है वो जहाँ रहती है उस जगह को कैसे आप जूठे सकरी में रख सकते हो। तो इसीलिए जितना हो सके किचन को क्लीन करके ही जाए सोने, खासकर जो बर्तन है जूठे सकरी वाले या फिर जो खाना बनाने वाले बर्तन हैं उन सबको क्लीन करके ही सोने जाए। बहुत सारे लोगों के घरों में देखा जाता है ना कि उन्होंने होम हेल्पर रखा है, काम करने वाली को रखा है, तो वो क्या करते हैं रात वाला बर्तन किचन में ही छोड़ देते हैं कि मॉर्निंग में आके वो सारा क्लीन करेगी। बट ऐसा मत करें, आप मॉर्निंग का बर्तन उसे दे या मॉर्निंग के जितने भी काम है वो करवा ले, लेकिन रात के जो बर्तन होते हैं ना वो आप ट्राई करो कि थोड़ा लेट लगे कोई बात नहीं, बट जो भी बर्तन है उसे आप क्लीन करके ही जाओ सोने के लिए। उसके बाद गैस क्लीनिंग से स्टार्ट होती है मेरी नेक्स्ट क्लीनिंग। तो वैसे भी अभी गैस में प्रॉब्लम चल रहा है, आप सभी को पता है कि लीक हो रहा है, तो इन्होंने आके चेक कर किया ना, तो एक्चुअली प्रॉब्लम थी उसके रेगुलेटर में, रेगुलेटर से कहीं लीक हो रहा है। तो अभी रात में तो कोई मार्केट खुला नहीं होगा, तभी तो गैस ऐसे भी मुझे बंद ही रखना है, सुबह भी नहीं हो पाएगा, सुबह भी बच्चों को लंच वंच बना के मुझे जैसे भी इंडक्शन में ही करके देना होगा। मार्केट जब मॉर्निंग में खुलेगी 10 बजे के बाद, उसके बाद ही रेगुलेटर आ पाएगा, उसके बाद ही बाकी सारे काम होने हैं। तो इसलिए गैस को भी मैंने थोड़े अच्छे से क्लीन कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ एक सॉल्यूशन रेडी किया है वॉल टाइल्स के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल सिंपल है, आप विनेगर देख रहे हो और साथ ही साथ बेकिंग सोडा भी, तो बस ये दोनों को मैंने मिलाया है, और इसकी हेल्प से ही मैं पूरे वॉल टाइल्स को, सेल्फ को, साथ ही साथ जो जार हैं थोड़े बहुत उन्हें भी क्लीन कर रही हूँ। और इससे क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है, और इसका जो स्मेल है ना उसकी वजह से किचन में कीड़े मकोड़े आपके दूर दूर तक नहीं आने वाले हैं, किचन आपका सेफ रहने वाला है। और जब भी हम किचन की क्लीनिंग करते हैं तो मेन मोटो हमारा यही रहता है कि किचन में कीड़े मकोड़े नहीं आए, जो कॉकरोच की प्रॉब्लम होती है ना खासकर सभी के किचन में, वो दूर हो जानी है। और क्या होता है ना, ये जो आप टाइल्स के बीच में गैपिंग देख रहे हो ना, इसमें गंदगी बहुत ज़्यादा फंसती है, तो ये भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, पूरा टाइल्स आपका चमक उठना है। तो वॉल टाइल्स को मैंने क्लीन कर लिया, और उसके बाद थोड़ा बहुत जो लिक्विड बचा था उसे मैंने काउंटर टॉप में वापस से दे दिया गैस के नीचे सब तरफ, क्योंकि जो कीड़े मकोड़े आते हैं ना वो सब तरफ घूमते हैं। तो जब भी आप रात में किचन क्लीन करो ना तो ट्राई करना कि पूरे अच्छे से करो, ताकि वो आ ही ना पाए आपके किचन में इनकी स्मेल से। और आपको पता है विनेगर की स्मेल कितनी स्ट्रांग होती है, तो कीड़े मकोड़े किचन में ना आए उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। तो ओके, नेक्स्ट मैंने फिर से अगेन यही सॉल्यूशन बनाया, लेकिन इस बार थोड़ी ज़्यादा मात्रा में बनाया है, क्योंकि मुझे जो गैस के बर्नर है उसे क्लीन करना है। तो आप देख सकते हो मैंने गैस बर्नर इसमें डाला है, और देख सकते हो गंदगी अभी से निकल रही है। तो इसे ना बस रात भर आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, सुबह तक ये बर्नर अपने आप साफ हो जाना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस इसे साफ पानी से धो के रख देना है। और उसके बाद लास्ट में जो सिंक होता है, जो हमारा मेन होता है, जहाँ से कीड़े मकोड़े आते हैं और चांसेस भी रहता है, जो कॉकरोच सब आते हैं ना यहाँ से बहुत चांस रहता है, क्योंकि खाना सब फंसे रहते हैं ना पाइप में, तो आने ही आने हैं। तो इसलिए लास्ट में क्या करिए कि जब सारा काम हो जाएगा तो एकदम खोलता हुआ पानी, गर्म पानी इसमें डाल दीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा हो तो साथ में बेकिंग पाउडर भी आप डाल सकते हो, और विनेगर भी थोड़ा बहुत डाल सकते हो क्लीन करने के लिए पाइप को। तो मैंने सिर्फ गर्म पानी डाला है, क्योंकि ये मेरी डेली की हैबिट है, रात में जब भी मैं सोने जाऊँगी ना उससे पहले सिंक में भर के एक मग, या फिर जो आप इलेक्ट्रिक केटल देख रहे हो उससे भर के पूरा एक मग पानी में अच्छे से गर्म करती हूँ, और फिर उसे जो सिंक है उसमें डाल देती हूँ, ताकि जो भी पाइप में खाना फंसे हुए हैं, गंदगी हो, वो सारी क्लियर हो जाए। उसके बाद जो सिंक वाला एरिया था, बर्तन बहुत सारे पड़े हुए थे, तो उसे भी मैंने अच्छे से पोंछ के रख दिया। रात भर अगर आप ऐसे ही बर्तनों को छोड़ दोगे ना तो सुबह आकर क्या होती है ना, ड्यूटी आपकी बढ़ जाती है कि फिर से आपको सारे बर्तन अच्छे से पोंछ के अंदर घुसाने हैं। तो इसलिए रात ही में मैंने ये कर लिया है, ताकि सुबह ये वाले ड्यूटी से मुझे छुट्टी मिल जाए। और उसके बाद जितने भी किचन के कपड़े थे उसे साफ करने थे, तो उसे भी मैंने गर्म पानी में थोड़ा सा लिक्विड डिशवॉशर डाल के इंडक्शन में बैठा दिया गर्म होने के लिए। उसके बाद उसे फटाफट वॉश कर लूँगी, और उसके बाद लास्ट बचता है किचन का फ्लोर, क्योंकि किचन में जब हम खाना बनाते हैं ना तो थोड़ा बहुत नीचे गिरता है, तो बस सोने से पहले एक बार मैंने इसे भी क्लीन कर लिया। और अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग।
तो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और रात में किचन की क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो गई थी, लेट थोड़ी हो गई थी, बट कोई नहीं। सुबह जब मैं उठ के बच्चों के लिए नाश्ता बनाने गई ना, तो देखकर किचन मन खुश हो गया, एकदम साफ सुथरा किचन। तो अभी बच्चे चले गए थे स्कूल और ये भी निकल गए थे अपने काम में, और उसके बाद मेरी ड्यूटी स्टार्ट होने वाली थी क्लीनिंग की। तो घर मैंने फटाफट क्लीन कर लिया और आज मुझे करनी है पूरे सीढ़ी की क्लीनिंग। जो सीढ़ी वाला पूरा रूम है ना, ऊपर से नीचे जो पूरी सीढ़ियाँ हैं उसे मुझे क्लीन करना है, साथ ही साथ जो दीवार है, जो वॉल है सीढ़ी की, वो क्लीन करना है। जो रेलिंग आप देख रहे हो ना स्टील की, वो भी मुझे क्लीन करना है, क्योंकि बारिश का मौसम है ना और सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। साथ ही साथ जो दीवार है वो भी गंदे हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे आते हैं तो दीवार पे हाथ रखते ही रखते हैं, तो उस वजह से भी गंदी हो रही हैं, तो उसे मुझे आज क्लीन करना था। और प्रॉब्लम क्या थी ना, जब भी आप वॉल को लाइट कलर से पेंट करवाते हो ना, तो थोड़े बहुत भी दाग धब्बे होते हैं ना, तो बहुत गंदे दिखते हैं। उन्हें वैसे ही मेंटेन करके रखना होता है, तब जाके वो सही लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो जो मेरी सीढ़ी की जो पूरी ऊपर से नीचे सीढ़ी की जो वॉल है ना, वो ऑफ वाइट क्रीम कलर में बोलूँगी उसमें पेंट की हुई है, तो थोड़े से बगैर दाग धब्बे होते हैं, तो बहुत गंदे लगते हैं। और साथ ही साथ ये आप जो देख रहे हो ना, छोटे वाले जीव जंतु, इसे पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ भूआ पिल्लू बोलते हैं, जो कि बारिश के मौसम में ही आते हैं। जैसे भी बारिश हो रही है, मैंने आप लोगों को दिखाया, तो ये छत में हो रहे हैं, और छत से क्या हो रहा है ना, दीवार के सहारे अंदर आ रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या होती है पता है, अगर ये शरीर में अगर आपके लग गए ना, तो फिर हालत ख़राब हो जानी है, आप परेशान हो जाओगे। जो इनके रोए होते हैं ना, वो घुस जाते हैं शरीर के अंदर, बहुत ज़्यादा खुजली, जलन, लहर बहुत ज़्यादा होती है। ये भी एक रीज़न था जिसके कारण मुझे पूरा सीढ़ी क्लीन करना था अच्छे से। और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा गंदगी यहाँ से निकली है जब मैं यहाँ झाड़ू कर रही हूँ। तो फटाफट पहले मैं झाड़ू कर लेती हूँ, उसके बाद फिर जो रेलिंग देख रहे हो आप, डस्ट होने की वजह से थोड़े से वो गंदे हो गए हैं, उन्हें क्लीन कर लूँगी, और उसके बाद वॉल, और लास्ट में फिर मॉपिंग करके निकल जाना है, तब जाकर जो सीढ़ी वाला एरिया है पूरे अच्छे से क्लीन हो जाना है। अच्छा, घर की साफ़ सफाई में ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपने अच्छा सा रूटीन बनाया हुआ हो और उसी के अनुसार आप काम कर रहे हो, तभी आपके सारे काम ना बहुत अच्छे से बहुत जल्दी होने हैं। जैसे मुझे आज ये क्लीनिंग करनी थी बाहर की पूरी, तो इसलिए आज मैं मॉर्निंग में जल्दी तो उठी ही थी, साथ ही साथ जितने घर के काम थे ना वो मैंने फटाफट कर लिए, और जो बेसिक काम थे वही मैंने किए। बहुत ज़्यादा घर पे मैंने नहीं टाइम दिया, नहीं तो अगर मैं घर पे बहुत ज़्यादा टाइम देती ना, डीपली क्लीनिंग करती एक एक चीज़ को, तो फिर ये वाला एरिया रह जाता है, क्योंकि अभी मुझे सारा चीज़ करना, आपको पता है कि गैस में प्रॉब्लम चल रही है, तो मुझे इंडक्शन में ही सारा चीज़ करना है, लाइन रहे ना रहे कोई गारंटी नहीं है। तो इधर भी मुझे काम निपटाना है, किचन में भी सारे काम खत्म करने हैं। तो मॉर्निंग के नाश्ता तो मैंने कंप्लीट कर दिया था, बच्चे चले गए थे तो अभी टेंशन नहीं है, बट जो दोपहर का खाना है वो भी मुझे अभी बनाना है, तो वो भी इन सब कामों को करते करते। तो अगर आपने रूटीन अच्छा बनाया है ना अपने कामों को लेकर के, मुझे कब क्या कैसे कैसे करना है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होनी है, सारे काम आपके हो जाने हैं। तो बस अब बारी थी जो वॉल है उसके क्लीनिंग की, क्योंकि वॉल में ना बहुत ज़्यादा दाग धब्बे दिख रहे थे। ऐसे आपको वीडियो में पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं जब सामने से दिख रही थी ना, तो जगह जगह में दाग धब्बे थे, कहीं हाथ के, कहीं बॉल के, बच्चे बॉल भी खेलते ना तो दीवार पर देते ही देते हैं, तो ऐसे करके बहुत सारे दाग धब्बे थे। तो वही मैंने सर पानी बस लिया है, और उसी की हेल्प से माइक्रोफाइबर जो ग्लव्स है वो मैंने लिया है, और उसका यूज करके मैं पूरे वॉल को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और साथ ही साथ जो खिड़कियाँ हैं मेरी, उसे भी मैं साथ ही साथ क्लीन करते चलूँगी, क्योंकि एक ही साथ मेरे सारे काम हो जाने हैं, सब कुछ एक ही साथ क्लीन हो जाना है, फिर बाद में मुझे अगेन एक्स्ट्रा इन खिड़की की क्लीनिंग में नहीं लगना पड़ेगा। तो फटाफट मैंने सारा वॉल था उसे क्लीन कर लिया था, तो लगभग सीढ़ी वाला जो एरिया था वो साफ़ हो चुका था, बट बस लास्ट में बचा हुआ था मॉपिंग, क्योंकि जब भी हम कहीं की क्लीनिंग करते हैं ना, साफ़ सफाई करते हैं, तो लास्ट में मॉपिंग करके निकल जाते हैं, और फाइनली हमारा घर पूरा साफ सुथरा हो जाता है। तो वैसे ही सीढ़ी भी था, सब तरफ हमने डस्टिंग क्लीनिंग जो करनी थी वो कर ली थी, बस बचा हुआ था मॉपिंग, तो फटाफट मैंने मॉपिंग किया, और फाइनली अब सीढ़ी मेरा साफ़ हो चुका है। घर की क्लीनिंग हो गई, सीढ़ी वाली एरिया की क्लीनिंग हो गई, और अब बची हुई थी मैं, मुझे लेना था सावर, तो चलिए चलते हैं सावर लेने। लेकिन उस बीच थोड़े बहुत काम बचे हुए थे, जैसे ये डोरमेट यहाँ बिछाना था, तो उसे मैंने बिछा लिया, क्योंकि जब भी घर की क्लीनिंग करती हूँ ना, तो जो भी डोरमेट है रनर सबको हटा के अच्छे से करती हूँ, और अगेन फिर सब क्लीनिंग हो जाती है, तो उसके बाद इन्हें अपनी जगह में रख देती हूँ। उसके बाद फिर ठीक ये आ गए थे, नहा हुआ कि मैं भी आ गई थी, और मुझे बनाना था अभी खाना, तो मैं इंडक्शन में अपना खाना बना रही थी, और ये आ गए थे एक बार फिर से देखने क्या है क्या नहीं है।
तो रेगुलेटर अभी लाए नहीं है, ये लाने जाएंगे, लेकिन एक बार फिर से सब कुछ चेक कर ले रहे हैं कि अगर पाइप में भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो भी ले आएंगे, एक ही साथ सारा काम हो जाना है, बारी बारी नहीं करना पड़ेगा। तो अभी ये निकलेंगे मार्केट के लिए, तो इसीलिए एक बार अच्छे से ये आकर चेक कर ले रहे हैं कि कहीं किसी और चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है ना। बट कहीं प्रॉब्लम नहीं थी, रेगुलेटर में ही प्रॉब्लम थी, वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। इन्होंने सब तरीके से देख लिया बट कहीं कुछ नहीं था, वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो अब हमें वही बदलना है, तब जाकर कुछ होगा। और अभी क्या हो रहा है ना, कल तक मैंने बताया था ना आप लोगों को कि साउंड बिल्कुल नहीं आ रहा, जैसे गैस लीक होने से थोड़ी बहुत आवाज़ें आती है ना, वो बिल्कुल अभी बिल्कुल कल तक नहीं आ रही थी, लेकिन अभी अब वो ना हल्की हल्की आ रही है। तो अभी तो मैं बिल्कुल गैस ऑन नहीं कर सकती हूँ, डर ही डर है और मुझे ऐसा रिस्क लेना नहीं है। तो अभी बस यही प्लानिंग है कि ये रेगुलेटर लाएंगे, चेंज करेंगे, तभी जाके गैस में कुछ भी बनेगा। अभी फ़िलहाल हम इसे ऐसे ही छोड़ने वाले हैं। तब तक मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ इंडक्शन में, क्योंकि बच्चों के आने में टाइम है, उनके आते आते तक खाना मेरा बन भी जाएगा। तो क्या कर रही हूँ मैं, दाल भात मैंने फटाफट बनाया, सुबह की भिंडी जो फ्राई की थी मैंने वो तो ख़त्म हो गई थी, तो अभी सब्जी बनाऊँगी ना, तो फिर अगर लाइन उन कट गई तो फिर प्रॉब्लम हो जानी, इसलिए मैंने क्या किया ना, बैगन रख दिया है, आप देख रहे हो काट करके, वो बैगन फ्राई कर दूँगी और साथ ही साथ धनिया टमाटर पत्ता की चटनी। तो बस हो जाएगा दोपहर का खाना, सिंपल सादा बट अच्छा है। कभी कभी इस तरीके से सादा खाना भी खाना चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत सही होता है। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल में अगर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।